तो यार हम करने वाले हैं इस इतने बड़े स्टेशन को मॉडिफाई। जी हाँ, क्योंकि हमारा स्टेशन एकदम सिंपल सा था, मतलब कि आप यही देख लो कि ये ट्रेन की पटरियां एकदम रोड पे हैं एंड यहाँ पर एक ब्रेकर भी नहीं है। देखिए ये मोहतरमा कैसे घुसी चली आई, मोहतरमा से ट्रेन की पटरी के सामने से हट जाओ वरना पेल नहीं जाओगी, ट्रेन आ सकती है। ये सुनेगी नहीं, इसके कंटाप लगाना पड़ेगा। पे इसने तो मेरी कंटाप लगा दिया। रुको मैं अभी इसे बताता हूँ, पहले सबसे पहले मैं इसे बताता हूँ, उसके बाद करते हैं मॉडिफाई। तो भाई आते ही आते हमने बलि पहले दे दी। नाउ अभी हम करने वाले हैं अपने ट्रेन स्टेशन को मॉडिफाई, जिसके लिए वैसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस ट्रेन स्टेशन को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास भी कोई आइडियाज तो कमेंट करना। तो भतीजो अभी हमने ट्रेन को आगे भेज कर यहाँ पर एक डस्टबिन मंगा लिया है। आप सोच रहे होंगे कि डस्टबिन का क्या काम। इस डस्टबिन की हेल्प से हम बनाने वाले हैं यहाँ पर स्पीड ब्रेकर, जिससे लोग धीरे स्लो गाड़ी चलाएं और देख सकें कि ट्रेन आ रही है या नहीं, ऐसे घुसे हुए ना चले आए जैसे कि ये फिर से एक लौंडा आ गया। अभी हम अपने डस्टबिन को सही जगह पर लगा लेते हैं और ऐसे ही हम सारे, यहाँ एक ही डस्टबिन है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है यार। अबे यार पुलिस को भी अभी आना था, आप सबसे पहले इससे निपटना पड़ेगा। आओ तो मैं भी हम बता दें, हमारी ट्रेन वहां खड़ी है एंड हम पुलिस से निपटने के बाद अभी वापस से अपने काम में लग चुके हैं। नाउ अभी हमने तीसरा और अभी चौथा डस्टबिन भी मंगा लिया है। मैं इतने सारे डस्टबिन इसीलिए मंगा रहा हूँ कि जितने ज्यादा डस्टबिन होंगे उतना ही अच्छा स्पीड ब्रेकर बन पाएगा एंड ऐसा ही स्पीड ब्रेकर हम दूसरी तरफ भी बनाने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को देखते रहना। नाउ अभी हम चेक कर रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर से हम लोग निकल पाएंगे। वेल डन यार, स्पीड ब्रेकर तो काम कर रहा है। नाउ अभी हम बचा हुआ काम भी खत्म कर देते हैं। जैसे कि हमने उस तरफ स्पीड ब्रेकर के लिए डस्टबिन को लगाया, वैसे ही इधर भी लगा देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर होंगे तो दोनों तरफ के वाहन रुक जाएंगे, स्लो हो जाया करेंगे जब ट्रेन निकलने से पहले। नाउ हमने डस्टबिन वाले पीएसपी आगे स्पॉन कर दिए थे, इनको इधर ले आते हैं। नाउ हमारी दूसरी तरफ और ये वाली तरफ, ये दोनों ही लगभग आधे से ज्यादा कवर हो चुकी है। नाउ कुछ डस्टबिन और एंड हमारा स्पीड ब्रेकर वाला काम डन हो जाएगा। नाउ स्पीड ब्रेकर एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुके हैं। मैंने एक बार चेक कर लेते हैं दोनों तरफ से कि स्पीड ब्रेकर कैसा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्पीड में लेके जाते हैं अपनी थार को एंड देखते हैं कि यार ये थार निकल जाएगी। क्या बात है यार, ज्यादा स्पीड से जो आएगा वो चक्री बन जाएगा एंड इस बार हम लोग स्लो ले जाके देखेंगे कि अगर हम लोग स्लो ले जाएंगे किसी भी गाड़ी को तो क्या वो स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर पाएगी। क्या बात है, स्पीड ब्रेकर स्लो में बहुत अच्छा काम करते हैं, एकदम गाड़ी को मस्त तरीके से निकाल देते हैं। अभी स्पीड ब्रेकर को चेक भी लिया तो, लेकिन अभी स्पीड ब्रेकर तो रोड पे काम करेंगे पर इस फुटपाथ के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, जिसके लिए हम लगाने वाले हैं वॉल, नेट वॉल। जी हाँ, यहाँ पर हम जाली वाली वॉल लगाएंगे जिससे जो लोग ये ट्रेन की पटरी पे चले जाते हैं ना वो ना आ सके। आइए अब जल्दी से वॉल्स भी लगा लेते हैं। ना पहली वॉल स्पॉन कर ही पाए थे कि ये मोहतरमा आ गए। अब मोहतरमा यार उस तरफ या तो निकल जाओ या इस तरफ आ जाओ, पर मुझे मेरा काम करने दो वरना मैं आपको भी एकदम स्टिकी बम लगा के उड़ा देने वाला हूँ। ना अभी हमने चारों तरफ नेट वाली वॉल्स लगा दी। देखो जैसे कि मैंने राइट साइड में लगाई है एकदम से मस्त मस्त, वैसे ही लेफ्ट साइड में भी लगा रखी है। नाउ अभी हमने ऑलमोस्ट 50% जो काम सोचा था वो पूरा कर चुके हैं, मतलब कि हमने ब्रेकर्स भी लगा दिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे एक स्टेशन के लिए, हमने नेट्स बॉल्स भी लगा दी। नाउ अब क्या ही बचा रह गया है। नाउ अभी हम लगा चुके हैं सारी नेट वॉल्स एंड ब्रेकर्स भी। नाउ अभी एकदम से मस्त लगने लगा है हमारा ट्रेन स्टेशन। अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है मेरे दोस्त, जिसमें हम लगाने वाले हैं पेड़। जी गाइस ट्रीज, तो ट्रीज लगाने के लिए जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर स्पॉन करते हैं ट्रीज, वातावरण को तो शुद्ध रखेंगे और देखने में भी मस्त लगेंगे। इसको यहाँ सेट कर देते हैं। ट्री लगाने की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। नाउ एकदम मस्त मस्त ट्री लगने हैं, बट इसमें थोड़ी सी मेहनत है, पर मैं यार मेहनत से नहीं डरता, मैं डरता हूँ बस आपके सब्सक्राइब ना करने से। समझ तो गई होगे यार। ओफो यार, नाउ हमने इतनी दूर तक इतने सारे पेड़ लगा दिए हैं एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार जब हम लोग ट्रेन स्टेशन में आते हैं तो हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि ट्रेन स्टेशन आने वाला है, तो क्यों ना हम ट्रेन स्टेशन के अपोजिट साइड, मतलब जैसे कि हमने आगे ये पेड़ लगाए, कितने ऑसम लग रहे हैं यार। अगर आपकी जगह होता तो भाई वीडियो को लाइक कर देता। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जैसे कि हमने आगे पेड़ लगाए हैं वैसे ही स्टेशन को अच्छा करने के लिए इस स्टेशन के पीछे भी पेड़ लगा दिए। क्या बोलते हो भतीजो? नाउ अभी हम
करके देखते हैं। नाउ हमने अपने तर्क और ज्ञान से यहाँ भी पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। यार पेड़ लगाना काफी ज्यादा अच्छा होता है। आज मुझे एक बात तो पता चल गई कि पेड़ लगाना तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, चाहे आप रियल वर्ल्ड में लगाएं, चाहे आप गेमिंग वर्ल्ड में लगाएं। वैसे गाइस हमारा वर्ल्ड तो एकदम गजब है ही। एंड यहाँ बात करते करते मैंने 5-6 पेड़ लगा दिए हैं। काश इतना इजी होता हम लोग रियल वर्ल्ड में पेड़ लगा पाते तो अभी तक तो मैं अपना खुद का अमेज़न जंगल बना लेता यार। इस पेड़ को लगाने के बाद पूरा सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से बैलेंस हो जाएगा, देखिएगा। तो गाइस फाइनली हमने इतने सारे पेड़ लगा दिए हैं। भाई ये नजारा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है दूर से, थोड़ा और पास चलते। ओहो भाई क्या बात है, इतने सारे पेड़, इतनी सारी हरियाली देख के एकदम मन दिल गार्डन गार्डन हो गया है। लग रही रहा कि हम इंडियन वाइस ड्राइविंग 3D में, लग रहा है कहीं कहीं और ही आ गए, एकदम गजब मॉडिफाई किया है। जबकि हमने अभी कुछ थोड़ा ही मॉडिफाइड किया है, इसके बाद हम और ज्यादा मॉडिफाइड करेंगे। एंड अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज हैं तो यार कमेंट कर दिया करो यार, बिना शर्माए हम वो आइडियाज भी इंप्लीमेंट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड आपको शाउट आउट भी देंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।